नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रणबीर जो कि डिवोर्स के लिए बोल देता है रिया से, लेकिन दोस्तों इधर रिया और आलिया मिलकर अब प्राची की जान लेने की कोशिश करने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आने वाली हैं और वो प्राची से बोलेंगी कि बुआ जी मुझे प्राची को मारना है, क्योंकि अगर प्राची मेरे रास्ते से हटती है तभी रणबीर मेरा हो पाएगा, नहीं तो रणबीर पर मेरा कोई भी किसी भी तरीका का जोर नहीं चलने वाला। हालांकि दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाले एपिसोड में जहां रणबीर जो कि शादी की सालगिरह के लिए प्राची को बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट देने जा रहा है, क्योंकि वो सभी के ही सामने वो गिफ्ट देने जा रहा है कि जिसके बाद में रणबीर की मॉम पल्लवी खुद आंख फटी रह जाएंगी कि आखिरकार कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है, और जिसके बदले लगातार आलिया और रिया जो कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर करती हुई नज़र आने वाली हैं प्राची और रणबीर के बीच में, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जहां पर रणबीर को सपोर्ट करते हुए और प्राची को सपोर्ट करते हुए नज़र आने वाले हैं रणबीर के फादर और रणबीर की दादी, क्योंकि ये दोनों शुरू से ही प्राची को पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों रणबीर की मॉम पहले से ही प्राची को नापसंद करती हैं और वो नहीं चाहती कि रणबीर और प्राची एक दूसरे के साथ में किसी भी तरीका से रहें, और अपकमिंग एपिसोड वाकई में काफ़ी दिलचस्प दिखाया जाएगा जब आप लोग देख पाएंगे कि रणबीर और प्राची के बीच में बहुत गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे। इधर रिया जो कोशिश करेगी एक बार फिर से प्राची पर हमला करेगी ताकि प्राची की जान जा सके, और रिया का जो साथ देंगी वो कोई और नहीं बल्कि वो आलिया ही हैं। आलिया हमेशा से ही कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट करती हुई नजर आई हैं कि जिससे कि सामने वाले को अत्यंत ज़्यादा दिक्कत हो। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही कि हमेशा से ही देखा गया है कि प्राची और रिया के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इसके आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।